क्योंकि अब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का अगर हम मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बिना मतलब कोई इंसॉल्व करने। दाढ़ी में बैठा यह है लॉरेंस बिश्नोई। यह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसका नाम आए दिन सुर्खियों में आ ही जाता है। और लॉरेंस के साथ ही नाम आता है फिल्म अभिनेता सलमान खान का। लॉरेंस ने सलमान खान को पहली धमकी 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान दी थी। क्योंकि अब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रह मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे इतने केस मेरे को होगा कभी कमिट तो मैं अब तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप डाउट कर रही है पुलिस का भाग जाएंगे ये वो पुलिस से पूछिए जी वो मेरी बात हुई उनसे आपके वकील से मैंने पूछा उनसे भी आप इतना डाउट क्यों बुखार हो क्रिमिनल हुई ना मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके जब ये केस हुआ मैं पुलिस कस्टडी में था इस केस में इन्वॉल्व करने भी नहीं मतलब कराए। पिछले लंबे वक्त से एक्टर को मिल रही धमकियों के बाद अब उनकी सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक बार फिर सलमान को धमकी मिली है। ये वही गैंग है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और मूसेवाला की हत्या के बाद भी सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक चिट्ठी के जरिए मूसेवाला जैसे कांड की धमकी मिली थी। लॉरेंस के निशाने पर रहने के चलते राज्य सरकार सलमान खान की सुरक्षा में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती। सलमान के अलावा अक्षय कुमार और अनुपम खेर की भी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को फिर से धमकी दी है, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें सलमान को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके अंतर्गत अब एक्टर की सुरक्षा के लिए उनके पास 4 गार्ड हर वक्त मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उनकी सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। दिल्ली पुलिस को धमकी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में गिरफ्तार कई आरोपियों ने भी सलमान को लेकर कई खुलासे किए थे। क्योंकि अब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का ग्रह मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बिना मतलब कोई इन्वॉल्व करने।